हमारे YouTube चैनल फिल्म और टीविया पर आपका स्वागत है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी एक फैमिली ड्रामा शो था जो कि स्टार प्लस पर 3 जुलाई 2000 को शुरू हुआ था और इस शो का आखिरी एपिसोड 6 नवंबर 2008 को टेलीकास्ट हुआ था। इस शो के 1833 एपिसोड्स बने थे और हर एपिसोड 22 मिनट का होता था, जिसे कि बालाजी टेलीफिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था। एकता कपूर ने इस शो के फैंस के लिए एक गुड न्यूज दी है, ये शो 13 साल बाद अब फिर से वापसी करने वाला है। इस शो की कहानी गुजरात के वीरानी फैमिली की लाइफ पर बेस्ड है। वीरानी फैमिली की तीन बहुएं सविता, दक्षा और गायत्री अपने बेटों और पूरी फैमिली को कंट्रोल करती थी और अपनी सीधी साधी सास अंबा के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहती थी। सविता अपने बेटे मिहिर की शादी पायल से फिक्स कर देती है, लेकिन मिहिर को पुजारी जी की बेटी तुलसी से प्यार हो जाता है और वो उसी से शादी कर लेता है। वीरानी फैमिली तुलसी को एक्सेप्ट कर लेती है और कुछ समय के बाद तुलसी गौतम को जन्म देती है। मिहिर का एक्सीडेंट हो जाता है और सबको लगता है कि वो अब नहीं रहा, लेकिन मिहिर बच जाता है और उसकी याददाश्त भी चली जाती है और यहीं से तुलसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स की शुरुआत हो जाती है। शो के एंड में तुलसी को हरिद्वार में रहते हुए दिखाया जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो मुंबई आकर अपनी वीरानी फैमिली के साथ रहने लगती है। तुलसी वीरानी के रोल में थी स्मृति ईरानी, मिहिर के रोल में थे अमर उपाध्याय, इंदर कुमार और रोनित रॉय, अंबा के रोल में थी सुधा शिवपुरी, करण वीरानी के रोल में थे हितेन तेजवानी, नंदिनी के रोल में थी गौरी प्रधान और कृष्णा तुलसी वीरानी के रोल में थी मौनी रॉय। ये शो स्टार प्लस के फेमस टीवी शोज में से एक है। 8 साल तक अच्छा चलने वाले इस शो में समय समय पर उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन फिर भी सक्सेसफुली इतने साल तक अच्छा चलने के बाद मेकर्स ने डिसाइड किया कि अब स्टोरी को और स्ट्रेच नहीं करना चाहिए और इसीलिए इस शो को ऑफ एयर कर दिया गया। इस शो के सभी एपिसोड्स स्टार इंडिया की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऐप हॉटस्टार पर अवेलेबल है और ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए फिल्म और टीविया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।